वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज करंट अफेयर्स फंडा। आज इस लेक्चर 6 में हम बात करेंगे ग्रामर के बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स की, और ये सारे रूल्स नाउन से रिलेटेड हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर कभी भी आपके एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस हमारे आते हैं एरर स्पॉटिंग से रिलेटेड, और अगर हमें ये रूल्स मालूम होते हैं, ये रूल्स हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमनली यूज होते हैं। तो मैं बारी बारी से हर एक रूल को एग्जाम्पल के साथ बताऊँगा। जैसा कि आपका अगर एरर स्पॉटिंग में कोई भी क्वेश्चन आता है तो उसमें कुछ हमें नाउन से रिलेटेड रूल्स मिलते हैं, तो वो रूल यहाँ से पूछे गए हैं, और जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो हम इन रूलों को डिस्कस करने के बाद में फाइनली बात करेंगे। तो पहले मैं सारे रूल्स ख़त्म करूँगा, और जब सारे रूल हमारे फिनिश हो जाएंगे इनके बाद में हम बात करेंगे जो हमारा सेशन होगा। फाइन, जो एरर स्पॉटिंग के ऊपर जो क्वेश्चंस, जो ओरिजिनल क्वेश्चंस बनते हैं उन सेशन की भी हम बात करेंगे। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं, इस चैनल को आप दोस्तों सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। कमेंट करके आप अपने डाउट्स जरूर पूछ सकते हैं, जो भी आपके माइंड में डाउट्स आ रहा है, और इस वीडियो को दोस्तों अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। फाइन, तो आइए हम स्टार्ट करते हैं जो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रूल्स हैं नाउन से रिलेटेड उनके बारे में। तो रूल नंबर 1 की अगर बात की जाए तो देखो, जो हमने आपको बताया था कि मटेरियल नाउन्स जो होते हैं वो बेसिकली, मटेरियल नाउन्स आर नॉट काउंटेबल, उनको हम काउंट नहीं कर सकते। अब जैसे मैंने कह दिया मिल्क, तो क्या आप मिल्क को काउंट कर सकते हैं? इस वीडियो से पहले जो मैंने रेफरेंस वीडियो बनाई थी नाउन की, उसमें मैंने सारे नाउन के टाइप्स को एक एक करके डिफाइन करा था। ओके, अब उस नाउन को डिफाइन करने के बाद में अब उन नाउन से रिलेटेड जो जो रूल्स निकल के आते हैं उन सारे रूल्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे बारी बारी से। फाइन, तो पहले तो आप ये सोच लो कि जो मटेरियल नाउन्स होते हैं वो हमारे आर नॉट काउंटेबल, ठीक है? तो मतलब क्या कह सकते हैं, हम उनको काउंट नहीं कर सकते। इवन बी ऑल्सो कैन नॉट मीजर और बीट दैम, तो कभी कभी क्या होता है कि हम उनको मेजर भी नहीं कर सकते। फाइन, कि किस मेजर में है। अब सबके मेजर भी अलग अलग होते हैं। फाइन, अगर मैंने कहा मिल्क, तो मिल्क को हम लोग लीटर से मेजर करते हैं। फाइन, तो अगर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसको हम बेट भी नहीं कर सकते। अब मैंने कह दिया कि स्टार्स है, स्टार है, ठीक है, तारे हैं, तो क्या आप इनको काउंट कर सकते हो? नहीं ना, तो ये अनकाउंटेबल नाउन में आ गया, काउंटेबल तो नहीं हुआ ना। फिर क्या हुआ, क्या हम इनका वेट कर सकते हैं, क्या हम इनको मेजर कर सकते हैं? नहीं। ओके, तो यहाँ पर मैंने कुछ की इसलिए बात की है, लेकिन कुछ हो सकते हैं। फाइन, दूसरी चीज़ समझना मुझे पड़ेगा कि जो भी मटेरियल नाउन होते हैं वो नॉर्मली सिंगुलर वर्ब यूज़ करते हैं। मतलब मैं नहीं कहूँगा कि 100% ही होता है, लेकिन नॉर्मली, ठीक है, नॉर्मली उनके साथ सिंगुलर वर्ब यूज़ होती है। वो मैं आपको विद एग्जाम्पल बताऊँगा कैसे, और साथ में बताऊँगा आपको कि मटेरियल नाउन्स के साथ में आर्टिकल का हम यूज़ नहीं करते हैं। मतलब विद द मटेरियल नाउन्स आर्टिकल इज नॉट यूज बिफोर द नाउन। आर्टिकल मैं आपको पढ़ाऊंगा, और एन, और तीसरा होता है द। तो द क्या होता है, डेफिनेट होता है, और ये इनडेफिनेट होते हैं। तो ये आर्टिकल जो है मटेरियल नाउन से पहले हम यूज नहीं करते हैं। ओके, ये आप नोट डाउन कर लो। अब मैं एग्जाम्पल्स की बात करता हूँ। जैसे मैंने पहला एग्जाम्पल कहा, माई फादर हैज अ शॉप फॉर डायमंड्स। तो डायमंड क्या है, मटेरियल है, और यहाँ पर मैंने हैज का यूज किया है, तो मतलब मैंने इनको किस में लिखा है, सिंगुलर में लिखा हुआ है। फिर मैंने सेकंड कहा है कि कैल्शियम इज़ अ गुड मिनरल फॉर हेल्थ। तो देखो, यहाँ पर कैल्शियम एक मेटल की बात हो रही है, और यहाँ पर क्या है, इज़ यूज हुआ है। नेक्स्ट में कहा है प्लास्टिक इज मेड अप मैनी मॉलिक्यूल्स ऑफ इथलाइन। ओके, तो यहाँ पर प्लास्टिक के साथ क्या लगा है, सिंगुलर में हमने प्लास्टिक को यूज़ किया है। तो ये रहा, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस पता है आपको हर जगह होते हैं। तो एक्सेप्शंस क्या है, मैंने क्या कहा, किसी भी मटेरियल से कोई चीज़ फॉर्मेन हो रही है, जब हम उसका फॉर्मेशन मटेरियल की हेल्प से कर रहे हैं। जैसे मैंने कहा कॉटन ड्रेसेस, कॉटन की ड्रेसेस हुई, कॉटन ड्रेसेस आर वेरी चीप एंड कम्फर्टेबल। तो देखो, यहाँ पर मैंने इसको प्लूरल में यूज़ करा। फिर मैंने लिखा देर आर मैनी यूटेंसिल्स इन माई किचन मेड अप आयरन। फाइन, तो देखो आयरन की बनाई हुई कुछ चीज़ें हैं। फाइन, जो कुछ बर्तन हैं जो किचन में हैं, तो मैंने क्या यूज़ किया है, पर आर यूज़ किया। ओके, दूसरी चीज़ मैं क्या यूज़ करता हूँ, तो मैंने आपको बताने का मतलब था कि इनको हम सिंगुलर और प्लूरल दोनों में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफनली हम किस में यूज़ करते हैं, सिंगुलर में। थर्ड में कहा गया इन द एंशियंट टाइम मोस्ट ऑफ द किचन यूटेंसिल्स वर मेड अप ऑफ ब्रास, ब्रास मेटल के बने हुए थे। एंशियंट टाइम की अगर मैं प्राचीन काल की बात करूं उस टाइम की, ओके, तो हम दोनों तरह से यूज करते हैं, लेकिन हमें क्या है, सेंटेंस का यूजेस देखना है कि यूजेस हमारा सेंटेंस क्या कह रहा है। फाइन, नेक्स्ट रूल नंबर 2 की अगर बात की जाए, तो रूल नंबर 2 में कहा गया है नॉर्मली एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूज्ड इन सिंगुलर। देखो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्या होते हैं, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मैंने आपको बताया था कि वो नाउन जिनका फिजिकल अपीयरेंसेस नहीं होता है। फाइन, जो हमें फिजिकली नहीं दिखते, जैसे मैंने ऑनेस्टी कह दिया, जस्टिस, फ्रीडम, ब्रेवरी, ये सारे क्या हैं, ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स हैं। ओके, और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम किस में लिखते हैं, सिंगुलर में लिखते हैं। ओके, अब मैंने कहा ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी, ये आपने कई जगह कॉट लिखा देखा होगा, तो
इस तरह से हम क्या कहते हैं, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी क्या है हमारा, ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, तो इसके साथ हमने क्या यूज किया, सिंगुलर। फिर कहा है इट इज नॉट ट्रू दैट अ जज ऑलवेज गिव राइट जस्टिस। तो देखो यहां पर जस्टिस की बात हो रही है, तो क्या यूज हुआ है, इज। इंडिया गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिश रूल 1947, तो यहां पर फ्रीडम यूज हुआ है। फ्रीडम क्या है हमारा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ओके। अब इसमें कहा गया एवरी ईयर ऑन 15th of August अ ब्रेवरी अवार्ड इज गिवन। तो देखो ब्रेवरी क्या है, ये अपने आप में एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके साथ क्या यूज हुआ है, इज, ओके। तो मैंने आपको बताया ना कि जो भी हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं हम उनको सिंगुलर में लिखते हैं, फाइन। अब नए रूल की बात करते हैं, इसमें कहा गया अनकाउंटेबल नाउन्स, अनकाउंटेबल नाउन्स ओनली यूज इन द सिंगुलर। देखो अनकाउंटेबल नाउन्स के ऊपर अभी मैंने कुछ आपको एक्सेप्शंस बताए थे, लेकिन अगर मैं बात करता हूँ अनकाउंटेबल नाउन्स की, तो क्या है कि वो हमारे सिंगुलर में लिखे जाते हैं, मैंने अभी आपको ये चीज़ बताई भी थी। और दूसरी चीज़ मैंने बताया था कि जो हम आर्टिकल्स का यूज़ करते हैं ए और एन का, उनका यूज़ हम नहीं करते हैं अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में, फाइन। लेकिन जो दा का यूजेज होता है ये एक्सेप्शन केस है, फाइन, क्योंकि दा का यूजेज यहाँ पर हो रहा है और मैंने आपको बताया कि आर्टिकल्स यूज़ नहीं होते, लेकिन दा का यूज़ हम कर सकते हैं अनकाउंटेबल नाउन के साथ में। कैसे करेंगे वो हम आपको भी बताएंगे। दूसरी चीज़, कुछ क्वांटिफायर्स यूज़ होते हैं, कैन बी यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन्स। कुछ अनकाउंटेबल नाउन्स के साथ में कुछ हमारे क्वांटिफायर्स यूज़ हो सकते हैं, फाइन। तो इनको यूज़ कैसे करना है ये चीज़ मैं आपको अभी आगे बताऊँगा। दूसरी चीज़, कौन कौन से क्वांटिफायर्स हैं जिनका नाम है सम, एनी, मच, अलॉट, ऑल, मैनी, अ फ्यू आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ द क्वांटिफायर्स। ये क्वांटिफायर्स को हम अनकाउंटेबल नाउन्स, जिनको हम काउंट नहीं कर सकते, उनके पहले हम यूज कर सकते हैं, ओके। अब क्या है यहाँ पर रूल, बेसिकली क्या कहता है कि आप इनको यूज तो कर रहे हो, दैट कैन बी यूज विद द अनकाउंटेबल नाउन्स टू मेक दैम इन प्लूरल फॉर्म्स, ओके। अब इसके एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, जैसे मैंने कहा कॉस्ट, ये हमारे क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है। पोएट्री, वर्क, एब्यूज, वेकेशन, मशीनरी, एम्प्लॉयमेंट, अल्फाबेट, फूड, पेपर, मटेरियल, फ्यूल, नॉलेज, बिजनेस, पोस्टेज, बैगेज, सीनरी। तो आप इनको नोट डाउन कर लो और इनके साथ हम क्या यूज़ करेंगे, सिंगुलर हमारी वर्ब जरूर आएगी, फाइन। क्योंकि ये रूल हमसे बहुत बार पूछा गया है और कई बार पूछा भी जाता है, तो हमें ये रूल ढंग से पढ़ने की ज़रूरत पड़ेगी। अब कुछ एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, इसमें कहा गया यंग पर्सन्स डिसलाइक द एडवाइस ऑफ द एल्डरली People. तो ये एडवाइस क्या है, ये अनकाउंटेबल नाउन की यहां पर बात हो रही है, ओके। सेकंड में कहा है द सीनरी ऑफ केरला इज वेरी चार्मिंग। तो देखो सीनरी यूज हुआ है, उसके साथ क्या यूज हुआ है, इज यूज हुआ है। वाटर इज नेसेसिटी, वाटर क्या है हमारा अनकाउंटेबल नाउन है और इसके साथ हमने क्या यूज किया है, इसका यूज किया है, फाइन। सेकंड में मैंने क्या कहा है, हर हेयर इज ब्लैक, यहां पर हेयर की बात हो रही है और ये क्या है, ब्लैक है। नेक्स्ट कहा गया है द मिसचीफ डन बाय हिम इज अनपार्डनेबल, ओके। तो जो गलती उसके द्वारा की गई है वो क्या है, अक्षम्य है, मतलब क्षमा योग्य नहीं है, ओके। तो मिसचीफ क्या है यहाँ पर, अनकाउंटेबल नाउन है, ओके। तो जितने भी मैंने ये कलर में लिखे हुए हैं ये सारे आप नोट डाउन कर लो, इनको आप विद एग्जांपल कॉपी में नोट डाउन कर लें, क्योंकि यूजेज यहाँ से ही आ सकते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर अगर 4 की बात की जाए दोस्तों, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। कैसे, आइए हम समझते हैं इसको। इसमें कहा गया देयर आर सम नाउन्स, यहाँ पर कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमें प्लूरल फॉर्मेट में दिखते हैं, बट दे आर इन सिंगुलर इन द मीनिंग। लेकिन हमें दिखते प्लूरल हैं लेकिन होते क्या हैं, वो सिंगुलर होते हैं। तो जब सिंगुलर होंगे तो कौन सी उनके साथ वर्ब यूज होगी, वो भी सिंगुलर वर्ब यूज होगी, फाइन। क्योंकि आप ये ध्यान रखना, अगर सिंगुलर नाउन है तो सिंगुलर वर्ब यूज होगी, फाइन। तो अगर वो हमें प्लूरल दिख रहे हैं लेकिन वो होते नहीं हैं, तो वो वर्ड याद होनी चाहिए हमें ना, बिलियार्ड्स, समन्स, एथलेटिक्स, इकोनॉमिक्स, ये सब्जेक्ट के नाम भी है, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जिनके अंत में एस लगा होता है, ओके, स्टैटिक्स, सिविक्स, न्यूज, इनिंग्स और इथिक्स। तो ये जो मैंने सर्टन वर्ड्स लिखे हैं ये कुछ एग्जाम्स में यूज हुए हैं, इसलिए मैंने यहाँ पर आपको ये वर्ड लिख दिए। तो ये वर्ड देखने में प्लूरल लगते हैं लेकिन होते क्या हैं, सिंगुलर, और इनके साथ हम वर्ब कौन सी यूज करेंगे, सिंगुलर वर्ब। तो देखो कहा गया है फिजिक्स इज एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, फिजिक्स क्या है, एक सब्जेक्ट की यहाँ पर बात हो रही है, ये क्या है, इज यहाँ पर यूज हुआ है। नेक्स्ट में क्या है, पॉलिटिक्स इज अ डर्टी गेम, पॉलिटिक्स के साथ क्या यूज हुआ है, इज का यूज हुआ है, फाइन। नेक्स्ट रूल की अगर बात की जाए, ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें कहा गया है सम नाउन्स यूज्ड इन बोथ प्लूरल एंड सिंगुलर, कुछ नाउन जो होते हैं
वो प्लूरल और सिंगुलर दोनों में यूज होते हैं, जैसे टीम, शीप, काउंसिल, डियर, ज्यूरी, फिश, सीरीज, क्रू, एयरक्राफ्ट और स्पीसीज एक्सेट्रा। तो देखो मुझे यहाँ पर समझना पड़ेगा कि कब हमें प्लूरल में इनका यूज़ करना है, कब हमें सिंगुलर का में इनका यूज़ करना है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा इनका जो यूजेज है वो इनके सेंस के ऊपर डिपेंड करता है कि बेसिकली उस सेंटेंस का मीनिंग किस कंटेक्स्ट में यूज हुआ है। फाइन, तभी तो हम उसको प्लूरल और सिंगुलर में यूज करेंगे। अब यहाँ मैंने कह दिया और बास्केटबॉल टीम इज द बेस्ट, हमारी बास्केटबॉल की जो टीम है वो क्या है, बेस्ट है। फिर मैंने यहाँ पर कहा है कि हिज कंपनीज लीगल टीम, ओके, हिज कंपनीज लीगल टीम आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर। फाइन, तो यहाँ पर हमने इस टीम के साथ आर का यूज़ किया है। तो डिफरेंट डिफरेंट कंटेस्ट में हम यूज़ करते हैं। अब पहले क्या था, और बास्केटबॉल टीम इज द बेस्ट, यहाँ पर टीम क्या है, एज अ ग्रुप ऑफ पीपल है, ये रिप्रेजेंट कर रही है और बास्केटबॉल टीम को। फिर इसमें कहा हिज कंपनीज लीगल टीम, ओके, तो यहाँ पर हमने आर का यूज़ किया है, ओके। तो ये डिफरेंट डिफरेंट जब आप बहुत सारे एग्जांपल्स कर लोगे तब आपको ये सारी स्किल समझ में आ जाएगी कि कब हमें नाउन, किस नाउन को हमें प्लूरल में यूज़ करना है, किसको हमें सिंगुलर में यूज़ करना है। फिर मैंने कहा अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल्ड, अब देखो मैंने कहा अ सीरीज ऑफ लेक्चर्स इज शेड्यूल्ड तो इसका यूज़ किया। फिर मैंने कहा टू सीरीज ऑफ लेक्चर्स आर शेड्यूल्ड, तो देखो क्या है, सेम नाउन है लेकिन डिफरेंट डिफरेंट उसके यूजेज हैं। फाइन, तो ये चीज़ हमें यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, ओके। अब देखो यहाँ पर क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था हिज कंपनीज लीगल टीम आर इन्वेस्टिगेटिंग द मैटर, यहाँ पर था आवर बास्केटबॉल टीम इज़ द बेस्ट। फाइन, यही बेसिक दोनों में डिफरेंस है, जो हमने एक को सिंगुलर में एक को प्लूरल में यूज़ किया। नेक्स्ट रूल नंबर 6, ये भी हमारा इंपॉर्टेंट है, इसमें कहा गया है द नाउन्स विच आर प्लूरल इन द मीनिंग बट इफ एनी डेफिनेट न्यूमरल्स एडजेक्टिव इज यूज बिफोर द नाउन्स देन दोज नाउन कैन नॉट बी प्लूरलाइज, एग्जाम्पल बिलियंस, मिलियंस, थाउजेंड, हंड्रेड, डजन, पेयर, ग्रॉस, स्कोर, स्टोन एक्सेट्रा। मतलब इसमें यह कहा गया है कि कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनका मीनिंग जो होता है वो प्लूरल में होता है, लेकिन अगर उनके आगे डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव को लगा दिया जाए, ओके, तो वो प्लूरल बेसिकली नहीं रहते। जैसे मैंने कह दिया, एक विद एग्जाम्पल मैं बताना चाहूँगा, अगर मैंने डेफिनेट न्यूमरल, न्यूमरल का मतलब कोई वहाँ पर नंबर यूज कर दिया, ओके, दीज नाउन्स देन दोज नाउन्स कैन नॉट बी प्लूरलाइज, फाइन, तब वो प्लूरलाइज नहीं रहते। कैसे, मैंने कहा प्रीति हैज थ्री पेयर ऑफ इयररिंग्स, तो देखो पेयर अपने आप में क्या था, ये तो प्लूरल था, लेकिन इसके आगे मैंने न्यूमरल का यूज़ कर दिया, तब ये क्या हुआ, ये अब प्लूरल नहीं रहा, इसलिए मैंने यहाँ पर हैज का यूज़ किया है। सेकेंड में कहा गया राहुल परचेज्ड टू डजन, ठीक है, तो टू डजन का यूज हो रहा है, टू क्या है, एक न्यूमरल, डेफिनेट न्यूमरल एडजेक्टिव मैंने यहाँ पर यूज कर दिया, ओके, इस वजह से यहाँ पर ये यूज हुआ है। थर्ड में क्या लिखा है, एक ये रूल क्या लिखा कहता है, रूल कहता है कि बट इफ इनडेफिनेट काउंटेबल यूज्ड देन दे यूज एज अ प्लूरल, लेकिन जब हम इनडेफिनेट काउंटेबल का यूज करते हैं, मतलब मुझे वहां पर गिनती नहीं पता, वो एन नंबर ऑफ हो सकती है, तब वो प्लूरल में हो सकता है। जैसे मैंने कहा मैनी पेयर्स ऑफ इयररिंग्स, फिर मैंने मैनी पेयर ऑफ इयररिंग, फिर सेकेंड मैंने कहा स्कोर्स ऑफ शॉप्स, फिर मैंने कहा मिलियंस ऑफ रुपीज़। देखो अगर मैं कहूँ यहाँ पर 10 मिलियन ऑफ रुपीज़ तब तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ मिलियंस ऑफ रुपीज़, यहाँ पर मैंने क्या है इनडेफिनेट काउंटेबल का मैं यूज़ कर रहा हूँ, तभी तो मिलियंस लिखा है, मैंने लिखा हंड्रेड्स ऑफ पीपल, ओके, फिर ये हमारे प्लूरल में ही रहेंगे, डजन ऑफ मैन एक्सेट्रा। तो मैंने एक सेंटेंस के फॉर्मेट में आपको बताया है कि हंड्रेड ऑफ पीपल came to see the concert, fine, ये क्या है indefinite countable है, यहाँ पर कोई भी numeral नहीं use हुआ है। फिर लिखा है he donated dozens of pencils, उसने क्या करा dozens of, दर्जनों भर pencils उसने donated कर दी। तो आपको contest समझना है और rule को note down कर लेना है, okay। अब देखो यहाँ पर क्या था dozens था, dozens of pencils, fine, क्योंकि हमें ये नहीं बताया कि एक दर्जन, दो दर्जन, तीन दर्जन, लेकिन indefinite countable है यहाँ पर, फाइन, डजन्स ऑफ पेंसिल्स हैं, ओके। नेक्स्ट रूल नंबर 7 की हम बात करते हैं, इसमें कहा गया है सम नाउन्स ऑलवेज यूज इन द प्लूरल फॉर्म्स, कुछ नाउन जो होते हैं वो हमेशा प्लूरल की फॉर्मेट में ही लिखे जाते हैं, लेकिन बाय रिमूविंग एस एट द एंड ऑफ दीज नाउन्स वी कैन नॉट मेक नाउन, मेक दोज नाउन्स सिंगुलर। देखो कुछ नाउन जो होते हैं जिनके अंत में एस तो आता ही आता है, लेकिन अगर हम उनका सिंगुलर जब बनाते हैं
तो हम एस को नहीं हटाएंगे, फाइन। वो क्या है बेसिकली, हमारे प्लूरल हैं और उनके साथ प्लूरल ही यूज होता है। जैसे मैंने कहा रिगार्ड्स, ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना, दे लुक्स प्लूरल इवन दे यूज्ड एज अ प्लूरल। मैंने कहा रिगार्ड्स, स्पेक्टल्स, फिर मैंने कहा बेलोवेल्स, पैजामास। देखो ऐसी चीज़ें जिनके दो पार्ट होते हैं, दो पार्ट आप ध्यान रख लेना, वो हमेशा प्लूरल में ही हमें दिखते हैं ना, प्लूरल दिखते हैं लेकिन वो होते हैं सिंगुलर। आप देख लें, मैंने अभी पीछे बताया था सीजर्स बताया था, फाइन, कुछ मैंने रूल्स बताए थे, फाइन, लेकिन वो हमें क्या है उसका हम सिंगुलर नहीं बना सकते। जैसे मैंने सीजर्स लिख दिया तो कैची भी होती है ना, उसके भी क्या होते हैं दो पार्ट, इस तरह से हमें दिखती है ना। अब गॉगल्स, थैंक्स, सेविंग्स, ये कुछ होते हैं, सारे नहीं होते हैं। टोंग्स, ट्रूप्स, प्लर्स, ट्राउजर्स, ट्राउजर्स में भी आप देखते हैं पैजामा जो होता है, फाइन, ये भी हम दो पार्ट में दिखाई देता है एक तरह से, फाइन। तो ये वर्ड्स हैं, इनको आप नोट डाउन कर लो। तो रूल हमारा ये कहता है कि कुछ नाउन जो हमारे प्लूरल में यूज होते हैं, बाय रिमूविंग एस एट द एंड ऑफ दीज नाउन्स वी कैन नॉट मेक दोज नाउन्स सिंगुलर। अगर मैं उनका एस रिमूव कर दूं तो वो सिंगुलर नहीं हो जाएंगे, ओके। अब इनका रूल कैसे, मुझे यूज कैसे करना है, देखो नाम ये है, जैसे पेंट्स, गैलोज, आर्म्स, आर्म्स, एशेस, एरियर्स, ठीक है, स्टेयर्स, टैक्टिक्स, गुड्स, ब्रेन्स, गट्स। अगर आपने इस गुड्स में, अगर आपने गुड लिख दिया इसका एस हटा के, फाइन, तो बहुत बड़ा चेंज हो जाएगा। गुड का मतलब क्या होता है, अच्छा, और गुड्स का मतलब क्या होता है, जब हमारी लगेज के टर्म्स में बात होती है, ठीक है, किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की तरह हम कहते नहीं गुड्स, तो वहाँ पर दोनों का सेंस चेंज हो जाता है, फाइन। तो इसलिए ये सिंगुलर नहीं है कि इसने इसको प्लूरल इस तरह से बना दिया, ओके, ये आपको समझना पड़ेगा। अब जैसे मैंने कहा बेयर आर माई ट्राउजर्स, तो देखो ट्राउजर्स क्या है, इसको हमने एज इट इज आर करके यूज करा है प्लूरल फॉर्मेट में, क्योंकि ये प्लूरल ही होते हैं और इनका हम यूज भी प्लूरल में करते हैं, इनके सिंगुलर हम नहीं बनाएंगे। मैंने कहा रोहन गॉगल्स आर वेरी कॉस्टली, अब देखो गॉगल्स के साथ क्या यूज हुआ है, गॉगल्स के साथ में आर का यूज किया है। अब एसेट्स के साथ मैंने क्या बर का यूज किया है, आर्म्स के साथ क्या है आर का यूज किया है। तो ये कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आपको समझना पड़ेगा, फाइन, क्योंकि जो क्वेश्चंस कैसे आते हैं ये कंफ्यूज करने के लिए आपको आ जाते हैं, फाइन। तो आपको अगर ये रूल्स पता हैं तब आप आसानी से इन क्वेश्चंस को बना सकते हैं। एक इसमें नोट मैंने नोट डाउन करा है, इसमें कहा है बेजेस कैन बी यूज इन बोथ सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म। बेजेस का यूज जो है वो मैं दोनों सिंगुलर और प्लूरल फॉर्मेट में कर सकता हूँ। कैसे, मैंने कहा बेजेस आर राइजिंग, कभी भी आप देखते हैं ना किसी भी चीज़ के जो प्राइस होते हैं ना वो बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पर मैंने क्या किया बेजेस का यूज़ आर के सेंस में किया, मतलब यहाँ पर प्लूरल बनाया इसको। फिर मैंने कहा द बेजेस ऑफ सिन इज डेथ, यहाँ पर सेंस बिल्कुल चेंज है, ओके। तो जब सेंटेंस का सेंस चेंज होता है उसके रिस्पेक्ट में ही हम प्लूरल और सिंगुलर का यूज़ करते हैं। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं जो आपसे कभी कभी पूछ लिए जा सकते हैं, लेकिन इनको भी आप समझ सकते हैं, फाइन। नेक्स्ट रूल नंबर अगर 8 की बात की जाए, इसमें कहा गया है देयर आर सम ऑफ द कलेक्टिव नाउन्स विच आर यूज्ड विद प्लूरल वर्ड्स, दीज नाउन्स लुक सिंगुलर बट यूज्ड एज अ प्लूरल। कुछ हमारे कलेक्टिव नाउन्स हैं जो हमारे क्या है प्लूरल वर्ब के साथ में यूज होते हैं, वो दिखते तो सिंगुलर हैं लेकिन क्या है होंगे कैसे यूज प्लूरल। नेवर यूज एस, उनके साथ कभी एस का यूज मत कर देना आप, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएगा। प्यूपिल्स कभी नहीं होता है, प्यूपिल होता है, चिल्ड्रंस नहीं होता है, तो कभी भी अगर आपको चिल्ड्रंस लगा दिख जाए तो आप तुरंत वहां पर एरर होगी और उसको आप रिमूव कर देना, फाइन। पुलिस, इन्फेंट्री, जेंट्री, पेजेंट्री, ठीक है, ये वर्ड जो है ये आप यहां पर नोट डाउन कर लें। लेकिन मैं आपको बताऊंगा प्यूपिल्स इज यूज्ड व्हेन वी टॉक ऑफ द प्यूपिल इन डिफरेंट कंट्रीज, ठीक है। अगर मैं एक ही कंट्री में लोगों की बात करूंगा तब तो मैं प्यूपिल हमारा रहेगा, लेकिन अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोगों की बात करूंगा तब मैं यहाँ पर पीपल्स का यूज़ कर सकता हूँ, ये हमारा एक्सेप्शन कहलाता है, फाइन, इसका यूजेस भी होता है। अब जैसे मैंने कहा कि पुलिस हैव अरेस्टेड द थीप्स, ओके, तो देखो पुलिस के साथ क्या मैंने हैव यूज़ किया है, कैटल के साथ मैंने क्या यूज़ किया है आर यूज़ किया है, मेजोरिटी के साथ क्या यूज़ किया है आर यूज़ किया है, फाइन। तो आपको ये चीज़ें यहाँ पर समझनी पड़ेंगी, देखने में सिंगुलर लगेंगे लेकिन क्या है प्लूरल के फॉर्मेट में ही हमें उनका यूज़ करना है। कुछ लोग कंफ्यूज होंगे सर चिल्ड्रंस के बारे में, क्योंकि मैं आपको बताऊं अगर आपको कभी लिखा दिख जाता है चिल्ड्रंस तब तो ये गलत है, इसका सही फॉर्म क्या होगा चिल्ड्रन या फिर चाइल्ड,
तो देखो चाइल्ड से चिल्ड्रन बनाया, कभी कभी क्या दिख जाता है मुझे, दिख जाता है चिल्ड्रन अपॉस्ट्रॉफी एस का यूज होता है, तो ये ठीक होता है। मैं आपको यूजेस बता रहा हूँ यहाँ पर कैसे करते हैं। देखो चिल्ड्रन जो है वो क्या है, इज द प्लूरल ऑफ चाइल्ड, चाइल्ड का प्लूरल क्या है चिल्ड्रन हुआ, तो चिल्ड्रंस का जब हम यूज करते हैं ये क्या है, इज द प्लूरल पजेसिव ऑफ चाइल्ड्स, फाइन, ये चाइल्ड्स के रिस्पेक्ट में ठीक है, लेकिन ये करेक्ट भी है। क्यों? क्योंकि इफ यू आर यूजिंग इट इन अ करेक्ट कंटेस्ट, अगर हम करेक्ट कंटेस्ट में इसको यूज करते हैं तब कैसे, मैंने कहा दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज, फाइन, मैंने क्या कहा, दीज आर द चिल्ड्रंस टॉयज, मतलब कि जो टॉयज हैं वो किसको बिलोंग करते हैं, सेवरल चिल्ड्रंस के लिए, इस सेंस में ये चिल्ड्रंस अपोस्ट्रॉफी जो एस यूज हो रहा है ये ठीक है। दोस्तों मैं आपको ना सेपरेट अपोस्ट्रॉफी का यूजेस बताऊंगा कि हमें अपोस्ट्रॉफी एस का यूज कहाँ करना है, कहाँ नहीं करना है, कहाँ कहाँ पर हम गलतियाँ बेसिकली करते हैं, ओके? तो वो रूल्स की वीडियो मैं इस वीडियो के बाद में जरूर आप तक लाऊंगा, फाइन। नेक्स्ट रूल नंबर 9 की अगर बात की जाए, इसमें कहा गया है अ कंपाउंड नाउन और हाइफनेटेड नाउन, जिसमें हम कहते हैं न्यूमेरिकल और नाउन, ये दोनों आ जाते हैं, फाइन। तो ये क्या है, इज नॉट यूज इन द प्लूरल, ये प्लूरल में यूज नहीं होते हैं। इफ अ नाउन डज द वर्क ऑफ एन एडजेक्टिव, अगर एक नाउन हमारा क्या एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है तब भी, ओके? अगर मैंने क्या कहा, राहुल गेव मी 300 रुपी नोट, फाइन, तो यहां पर क्या है, कंपाउंड नाउन यूज हो रहा है, ओके? लेकिन क्या है, हमें इसको प्लूरल की फॉर्मेट में यूज नहीं करना है। जैसे आप रुपीज नहीं लिख दोगे, 5 stars आपका नहीं होता है, 5 star होता है। अब देखो कुछ लोग इसमें कंफ्यूज आएंगे 10 days वाले सीन में कि सर 10 days, देखो यहां पर ड्यूरेशन की बात हो रही है, फाइन, वी आर गोइंग फॉर अ 10 day टूर, हम लोग एक टूर पर जा रहे हैं और उसका ड्यूरेशन कितना है, 10 days का नहीं होता है, 10 day, यहां पर 10 day का यूज होगा। अब देखो कहां पर 10 days का यूज करना है, कहां पर 10 day का यूज करना है, इन दोनों में हमें थोड़ा सा एम्बिगुअस है, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं। अगर मैं जनरल बात करूं तो हम 10 day का यूज करते हैं, लेकिन एक्सेप्शंस कहां होते हैं वो मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखो एक्सेप्शन हमारा है कि अगर इफ रेफरिंग टू द नंबर ऑफ डेज, अगर नंबर ऑफ डेज की बात की जा रही है तब तो डेज ठीक है, अगर हम ड्यूरेशन की बात कर रहे हैं, जैसे हाउ लॉन्ग सम टाइम्स, हाउ लॉन्ग समथिंग हैज टू विल हैड कंटिन्यू, तब हम डे का यूज करते हैं। अब इसके एग्जांपल्स की बात करते हैं। देखो पहले एग्जांपल में क्या कहा गया है, द वर्कर्स टुक 10 days टू बिल्ड द वॉल, तो यहां पर क्या है, 10 days की बात हो रही है, क्योंकि यहां पर नंबर ऑफ डेज की स्पेसिफिकली बात हो रही है, ओके? सेकेंड में मैंने क्या बात की, आई एम ऑन अ 10 day ट्रिप टू ऑस्ट्रेलिया टू वॉच द क्रिकेट वर्ल्ड कप, यहां पर दोस्तों ड्यूरेशन की बात हो रही है, तो यहां पर देखो मैंने 10 day का यूज किया है, यहां मैंने 10 days का यूज किया, तो दोनों कंटेस्ट में सही है अपनी जगह, ओके? तो ग्रामर में क्या है, हर एक रूल के बाद में उसका एक्सेप्शन भी है, इसलिए ग्रामर को थोड़ा सा समझना टिपिकल पड़ जाता है, लेकिन अगर हम इनको ध्यान रखें माइंड में तो हमसे गलतियां कम होंगी, फाइन, हम अपनी गलतियों को कम कर सकते हैं, ओके? नेक्स्ट अगर मैं रूल नंबर 10 की बात करूं, इसमें कहा गया है इफ आफ्टर एनी नाउन प्रीपोजिशन इज यूज्ड, अगर किसी नाउन के बाद में प्रीपोजिशन यूज होती है और उसके बाद में फिर नाउन का यूज हो जाता है, मतलब इफ आफ्टर नाउन प्रीपोजिशन यूज्ड एंड आफ्टर दैट अगेन सेम नाउन इज रिपीट, मतलब जो नाउन यहां रिपीट हुआ है सेम नाउन बाद में रिपीट हो जाए और उसके बीच में एक प्रीपोजिशन का यूज होता है, तो क्या कह सकते हैं, नाउन प्रीपोजिशन नाउन, देन दैट नाउन वुड बी यूज्ड इन द सिंगुलर फॉर्म, तो वो नाउन किस में यूज होगा, सिंगुलर फॉर्म में यूज होगा। मैंने क्या कहा यहां पर, सिप आफ्टर सिप, तो देखो आफ्टर क्या है, प्रीपोजिशन है, सिप नाउन था, तो इज अराइविंग, ओके? फिर मैंने कहा रो अपान रो, रो ये दोनों सेम नाउन है, इसके बीच में अपान प्रीपोजिशन यूज हो रही है, तो क्या है, ऑफ मार्बल लुक्स का यूज किया सिंगुलर फॉर्मेट में, ये समझना है, डोर टू डोर, ओके, टाउन आफ्टर टाउन, तो ये चीजें गलतियां आपसे मिल सकती हैं कभी एग्जाम्स में, कभी कभी लिखा है आपको मिल गया कि सिप आफ्टर सिप आर अराइविंग, तो आप कंफ्यूज आते हैं कि कौन सा एरर है, तो आपको समझना पड़ेगा कि अगर आपके सामने सेम नाउन यूज हो रहा है और उसके बाद में कोई एक प्रीपोजिशन यूज हो रहा है फिर सेम नाउन, तो इनके साथ जो कॉम्बिनेशन लगेगा वो आपका क्या आएगा, सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, फाइन, ये रूल आप नोट डाउन कर लो अपनी कॉपी में। नेक्स्ट कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको हम अपनी डेली लाइफ में करेक्ट फॉर्मेट में यूज नहीं करते हैं, उनकी मैंने यहाँ पर मीनिंग लिख दी है और एग्जाम्स में ये आ भी जाते हैं। अब अभी कभी अगर एग्जाम्स में आपको पिक पॉकेटर मिल जाता है, फाइन,
तो क्या करना है आपको, पिक पॉकेटर नहीं होता है, इसका ओरिजिनल वर्ड क्या है, करेक्ट वर्ड है पिक पॉकेट, लेकिन हम लोग डेली लाइफ में यूज़ कर देते हैं पिक पॉकेटर या पॉकेट पिकर। ओके, ये दोनों बेसिकली वर्ड नहीं होते, इनका ओरिजिनल वर्ड क्या है, पिक पॉकेट। फाइन, नेक्स्ट अगर बात की जाए गुड नेम, तो आप लोग कहते हैं व्हाट्स योर गुड नेम। तो गुड नेम कोई हम लोग एक स्लैंग यूज़ कर लेते हैं, कॉमनली यूज़ करते हैं, लेकिन करेक्ट फॉर्मेट नहीं है, केवल हम लोग नेम यूज़ करते हैं। फाइन, ये हमारे लिए करेक्ट है। अगर ग्रामेटिकल डिस्टेंस से बात करें, ग्रामिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तब ये हमारे गलत हो जाते हैं, लेकिन डेली लाइफ में हम इनको यूज़ करते हैं, तो हम इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे। अब आपने देखा होगा कज़िन का मतलब बेसिकली क्या होता है, कज़िन का मतलब ही होता है कि इसके अंदर दोनों मेल और फीमेल आ जाते हैं। अगर ब्रदर और सिस्टर दोनों इसके अंदर आ रहे हैं, ओके, तो बेसिकली दोनों आ ही जाते हैं। तो अगर मेल पर्सन की बात है तब वो डेफिनेटली ब्रदर की बात हो रही है, अगर फीमेल पर्सन की ओर पॉइंट आउट कर रहा है तो वहाँ पर सिस्टर की बात हो रही है। तो कभी भी कज़िन ब्रदर और कज़िन सिस्टर नहीं होता है, हमेशा कज़िन अपने आप में इंडिविजुअल वर्ड होता है। बैड ड्रीम, बैड ड्रीम तो कोई वर्ड होता ही नहीं, ड्रीम होता है सपने देखना, और अगर बुरे सपनों की बात की जाए तो वहाँ पर नाइटमेयर, इसका मतलब क्या होता है, बुरा सपना। तो आप ये मत कह देना बैड ड्रीम, आई हैव सीन अ बैड ड्रीम, ये नहीं। फाइन, अब मैंने कहा स्ट्रांग ब्रीज, स्ट्रांग ब्रीज नहीं होता, स्ट्रांग बाइंड करेक्ट वर्ड होता है। तो इन वर्ड्स को आप समझ लो, क्योंकि ये आपके प्रीवियस पेपर्स में आए हुए भी हैं, इस वजह से मैंने यहाँ पर इनको कलेक्ट करके एक फॉर्मेट में आपको दिया है। सेकेंड कहा है बिग स्मॉल ब्लेंडर, देखो मैं आपको बता दूँ, दो वर्ड होते हैं, पहला होता है मिस्टेक और दूसरा होता है ब्लेंडर। फाइन, तो देखो मिस्टेक क्या होता है, ये होती है गलती, अगर आप कोई नॉर्मल गलती, कोई भी गलती अगर कर देते हैं तो हम उसको मिस्टेक कहते हैं। लेकिन ब्लेंडर क्या होती है, ब्लेंडर होती है कि मतलब बहुत बड़ी गलती, कि मतलब यार तुम कहते हो यार मुझे तो पता भी नहीं चला और कैसे मुझसे इतनी बड़ी गलती हो गई, तो वहाँ पर आप बिग मिस्टेक यूज़ मत करना, वहाँ पर केवल आप ब्लेंडर का यूज़ करना है। ओके, बिग और स्मॉल ब्लेंडर नहीं यूज़ करेंगे हम, केवल ब्लेंडर का यूज़ करेंगे। फाइन, तो कभी भी अगर एग्जाम्स में आपको बिग ब्लेंडर या फिर स्मॉल ब्लेंडर का यूज़ मिले तो इनको काट देना, यही हमारे एरर स्पॉट को सेव करेंगे। आई होप कि ये वर्ड आपको समझ में आए होंगे और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कभी भी आपके लिए रैंडमली आ सकते हैं। देखो ग्रामर का जो मैं आपको पोर्शन बता रहा हूँ, ये ऐसा तो नहीं है कि 100% ये आपके एग्जाम्स में आने वाला है, लेकिन अगर आप इसका यूजेस कंटिन्यू रखेंगे और एक्सरसाइज बनाते रहेंगे तो किसी ना किसी फॉर्म में ये आपके लिए ज़रूर बेनिफिशियल होगा। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि आप इन चीज़ों को ढंग से फोकस करके पढ़ाई करें। फाइन, तो दोस्तों इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और साथ ही इस वीडियो को शेयर जरूर करें। इसके बाद जो नेक्स्ट हम यूज़ करेंगे वो हम आपको बताएंगे कि अपोस्ट्रॉफी का यूज़ हमें कैसे करना है, फिर हम प्रोनाउन की बात करेंगे और प्रोनाउन कितने टाइप्स के होते हैं, इनको कैसे यूजेस करना है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, मैं जो भी टॉपिक कंप्लीट कर दूंगा इसके ऊपर एरर स्पॉटिंग का सेशन जरूर दूंगा, कि आपको एग्जैक्टली पता चल जाए कि एरर हमने अभी तक सीखा क्या है और किस फॉर्मेट में हमसे एरर्स पूछी जाती हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें अपने सारे दोस्तों तक, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देखकर अपने मार्क्स को बूस्ट करें। और अगर पहली बार आप ये चैनल पर आए हैं तब आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और साथ में मैं आपको से कहना चाहूँगा कि आप हमारे फेसबुक पेज को ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि फेसबुक पेज को ज्वाइन करने से क्या होगा कि आपके पास रेगुलर अपडेट्स आते रहेंगे, और हमारा जो फेसबुक का ग्रुप है इसको ज्वाइन करने से आपके जो भी डाउट्स हैं वो आप इस ग्रुप में पूछ सकते हैं, आपको उसके सारे सॉल्यूशंस मिल जाएंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे फ्रेंड्स।